खेलो इंडिया के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि खेलो इंडिया के इतिहास में पहली बार हरियाणा ने पूरे राज्य में मशाल रिले का आयोजन किया है। वहीं सीएम आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि मस्कट का नाम धाकड़ रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों मीडिया से रूबरू होते हुए खेलो इंडिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के इतिहास में पहली बार हरियाणा ने पूरे राज्य में मशाल रिले का आयोजन किया है। पिछले एक माह से इन खेलों के तीन शुभंकर पूरे राज्य में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हें राहगिरी नामक वाहन के माध्यम से पूरे राज्य में घुमाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा के मस्कट का नाम धाकड़ रखा गया है। जिस तरह से हरियाणा का जवान धाकड़ है, हरियाणा का किसान धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान धाकड़ है, उन्हें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इन खेलों में प्रदर्शन भी धाकड़ करेंगे। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है, उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है, धाकड़ मस्कट। तीन शुभंकर ये बनाए गए हैं, ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं, सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है, यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि खेलो इंडिया में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सीएम ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा कई अन्य मामलों में देश के दूसरे राज्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करता आया है, ठीक उसी तरह इन खेलों के आयोजन की भी ऐसी मिसाल प्रस्तुत करेगा, जिससे दूसरे राज्य भी प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतजाम इसके कर लिए हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं, जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारी व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है, पहले दोनों कार्यक्रम या तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है, इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के, उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं, ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें, ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। इस मौके पर खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार योगेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।